अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ शहजा ट्रेवल स्टेशन SPS के चैनल से। व्यूअर्स, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ थंडरो डैम। ये डैम पुराजी से तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अति समावी आफा से महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत का सफ़र और हमारे पुरसार का सफ़र हमारे लिए आसान बनाए, आमीन। ये एक दरख्त है जो तनहा खड़ा है, सूख चुका है। कभी ये हरा भरा होगा, कभी किसी को इसने साया भी दिया होगा, कभी इसके फल पत्ते भी किसी ने खाए होंगे। एक दिन कोई आएगा इसे काट कर आग जलाने के लिए ले जाएगा। इंसान का भी यही हाल है, बच्चों से भरे घर होते हैं, फिर बच्चे रोज़गार के लिए घरों से चले जाते हैं, वालदैन अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल इसी दरख्त की तरह बूढ़े और तन्हा। ये मेरे रब का निज़ाम है जो सारे जहानों का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसके किसी भी निज़ाम में कहीं भी कोई ख़राबी नहीं। तो व्यूअर्स, मेरा साथ रहिएगा। थाडो डैम जाने के लिए आप हब चौकी से साकरान रोड पर सीधे चले जाएं और आपको शाह नूरानी मोड़ नज़र आएगा। आप उसे भी क्रॉस कर जाएं और सीधे चले जाएं। तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता तय करना होगा। ये थाडो डैम दुरे जी से पहले 2 किलोमीटर पहले आता है। तो मैं आपको रास्ते के मनाजर दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले जाऊँगी दुरे जी जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं वापसी पर जब मैं आऊँगी तो मैं आपको ये डैम दिखाऊँगी। लें जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं इस पार्क को भी देख लूँ, तो मैं ये पार्क आपको भी दिखा रही हूँ। इसमें एक चक्कर लगाने के बाद मैं सीधी डैम की तरफ जाऊँगी और आपको डैम दिखाऊँगी, थाडो डैम। तो मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, ये एक लंबा थका देने वाला रास्ता है। आप जब भी इस डैम को देखने के लिए आएँ, अपने लिए खाने का बंदोबस्त करके लाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स, आए चलते हैं थाडो डैम की तरफ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा एरिया सरदार जनाब असलम भोतानी साहब और सालिया भोतानी साहब का इलाका है। इस डैम को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, अभी सड़क ज़ेरे तामीर है और इस पर बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आने वाले वक्तों में ये एक खूबसूरत तफरीगा होगा।
रिवर्स रोड बन रही है ना, ये देखें हमने अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ा कर दिया, वो वाइट आपको नज़र आ रही होगी। अभी हम पैदल जा रहे हैं डैम की तरफ। रिवर्स में इस वक्त डैम के करीब पहुँच चुकी हूँ। इस पर अभी तकियाती काम हो रहे हैं, सामने रोड है। वो बच्चा भी मुझे गौर से देख रहा है कि इस जंगल में ये खातून क्या कर रही है। अभी मैं ऊपर जाऊंगी ऊपर से नज़ारा करने के लिए। चेयर्स बनी हुई हैं, बेंच बने हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके ये डैम का नज़ारा करने वाली जगह। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर कमरे बने हुए नज़र आ रहे हैं या आप देख रहे हैं। तो एक ये मैं इस वक्त एक छोटी पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ और पहाड़ी के ऊपर एक रिज़ोर्ट बना हुआ है, जो कि स्पेशल सरदार साहबान ने अपने लिए बना रखा है। और यहाँ एक रूम है, वो रूम उन्होंने शाह मोहम्मद जो यहाँ पर मुलाजम है उसके लिए रखा हुआ है और वो यहाँ पे रहता है। ये देखिए कैसा खूबसूरत व्यू है, काले काले से पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पानी आपको दूर तक नज़र आ रहा है। ये पानी जो है यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त सूरज मेरे सामने है, खूबसूरत व्यू है ये जिन्होंने भी अपने भी बनाई है व्यूअर्स, बहुत अच्छी तो बहुत अच्छी बनाई है, ज़बरदस्त। अगर यहाँ पर शाम की टी पी जाए बैठकर और यहाँ पे इस डैम का नज़ारा किया जाए तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए व्यूअर्स ये पत्थर बिछाए हुए हैं, ये राहदारी बनी हुई है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये एक रास्ता इधर को जाता है इन कुर्सियों की तरफ और एक रास्ता ये इधर बेंच की तरफ जाता है। व्यूअर्स सच पूछें तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बेंच बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। जी चाहता है कि यहाँ मेरे पास चाय बिस्किट होते और मैं वो चाय पीती, लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं दोबारा यहाँ आऊँगी अपने साथ चाय का थर्मास और बिस्किट भी लाऊँगी, और अगर किसी को एतराज़ ना हुआ तो यहाँ बैठ के ज़रूर चाय पीऊँगी। वाओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जी दुरे जी में ही समझ लें, ये दुरे जी में एक डैम है और इस डैम को बड़ा खूबसूरत करके बनाया गया है और इसका नज़ारा लेने के लिए भी। ये देखें मैं आपको घुमा के सारा व्यू दिखा रही हूँ। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बस यही गिनती के बंदे हैं इस जगह पे और कोई नहीं है, या मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है। ज़बरदस्त ठंडी हवा और पहाड़ों के अजीब व गरीब डिज़ाइन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो पहाड़ है ना, ये वाला सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जिस पर घास उगी हुई है, इसके पीछे भी एक कमरा बना हुआ है, वो देखें, और उस तरफ उस कमरे की तरफ भी एक रास्ता जाता है। ये पानी ना काफ़ी दूर तक चला आता है, जब इसमें पानी होता है दोबारा से जब आती है ना तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा है। ये जी शाह मोहम्मद है, ये यहाँ पर ड्यूटी देता है, यहाँ पे जो हमारे सरदार हैं इस इलाके के, इस्माइल असलम बोतानी साहब और जनाब साले बोतानी साहब, वो यहाँ पे आते हैं तफरी के लिए आते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें भी ज़ेर तामीर करें, ताकि जब लोग ये वीडियो देखें और इस इधर का रुख करें तो उनको ये व्यू बहुत अच्छा लगे और उन्हें खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें भी मैसर हों और वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। मुझे उम्मीद है
कि मेरी इस दरख्वास्त पर ज़रूर अमल किया जाएगा। मैंने इसको शाह मोहम्मद को उर्दू में समझाया, मुझे सिंधी तो नहीं आती, बलोची आती है, लेकिन ये ज़रूर उनको समझा देगा, ठीक है ना। मेहरबानी। व्यूअर्स, ज़िंदगी की एक शाम और ख़त्म हो रही है। आप डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं। एक दिन और कम हो गया ज़िंदगी का। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर भी मिलती रहूं, तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और इसकी घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।